अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बड़ी माँ आराम से, वापस वापस आराम से, शांत हो जाइए बड़ी माँ, कुछ नहीं होगा, सुने ना देखो। पर ढूंढ रहे हैं उन्होंने, देख रहा हूँ, देखना सुने ना दी वापस आ जाएगी। हे पक्षा, अरे कुम्मू दीदी का ना बहुत बहुत पे सांस फूल जाता है, बिना खुला के सब पे चीखना चिखाने का जो उनका आदत है ना, उसे तो पास नहीं आती है। भाभी आराम से, आराम से। भाभी थोड़ा पानी पी लीजिए, ठीक महसूस होगा। शुक्रिया। आराम से, आराम से। जो पापा है ना, इनका नाम प्रवेश सिंह नहीं जटाई कुमार होना चाहिए। कैसे कि हमेशा अपना भैया और भाभी के सामने जटाई के जैसे तो पड़े रहते हैं। सच कह रही आप, हम लोग तो जैसे सौतेले हैं इनके लिए। हमको भी यही लगता है। बड़ी माँ, बड़ी माँ, बड़ी माँ क्या हुआ? बड़ी माँ क्या हुआ? पापा, बड़ी माँ को क्या हुआ? कुम्मू दीदी, अरे कुम्मू दीदी उठिए, कहाँ प्रवेश जी, ये कहाँ पिला दिया आप कुम्मू दीदी को? अरे वो तो पीते लमलेट हो गई, अरे बता खाई नहीं, कहाँ पिलाए उनको? पापा, पानी में कुछ मिक्स किया था आपने? हाँ, नींद का गोली। सोएंगी थोड़ा देर तभी तो ठीक होंगी ना, तो तबीयत और बिगड़ जाता। हाँ। आयो, जब तक बड़ी माँ उठेगी तब तक सुनैना दी भी आ जाएगी। उस सब तो सवेरे ही पता चलेगा कि क्या होगा। सुनो, तुम सब भी आराम करो, चलो। पंकज, अरे तुम्हारे पापा भक्ति दिखाते दिखाते शक्ति कैसे दिखा गए अपनी परम पूज्य भाभी जी के साथ? कहीं ऐसा तो नहीं कि पापा और बड़े पापा दोनों की मिली भगत है सुनैना की किडनैपिंग में? अरे वो तो हमको नहीं पता है, पर जो भी काम किया है ना, हमने भी सही कर गया है। हाँ भैया, आप निश्चिंत रहिए, मैंने भाभी को नींद की गोली खिला दी है, अब कम से कम 4 से 6 घंटा तो चैन से सोएंगी। परवेश दरोगा वही बोला ना, जानू को बोला था हम बोलने के लिए। हाँ भैया, दरोगा कह रहा था कि वो जो किडनैपिंग किया है कोई गिरोह है जो उनकी पकड़ में नहीं आ रहा है। लेकिन भैया एक बात कहें, हमको नहीं लगता कि भाभी उनका विश्वास किए हैं, वो होश में आएंगी फिर हम दोनों को फिर से लपेटेंगे। अरे नहीं, उनको वो बात का चिंता मत करो तुम, इस बार हम उनको विश्वास दिला के रहेंगे कि हम पाक साफ हैं, बाकी वो मामला संभालते हैं, फिक्र का कोनो बात नहीं है। जी भैया। मुझे किस साल में पहला सूर्योदय है, जो में वो कलम का अस्त होने का रोशनी है, आज के इस सूरज को पढ़ना की तरफ ले लो।
बड़ा सा टिप टॉप क्या कर दिया, इसकी तो शक्ल ही सवर गई। असलम इसे देखकर तो अपने होश ही खो देगा। ये असलम कब तक आएगा? सारी रात इसका पहरा देते देते थक गया, अब तो नींद भी आ रही है। आधे घंटे में आता होगा, तब तक जागते रहना, वरना हमेशा के लिए सुला दूंगी। समझे? इसने कोई होशियारी नहीं करनी चाहिए, समझे? होशियारी ना करना, कुर्सी पर बंदी है क्या होशियारी करेगी? ये एपिसोड देखिए YouTube पर शाम 6:30 बजे। क्या काम था? एक मिनट, ये जो औरत है भौरी, मुझे इससे मिलना है। ये रहती थी, पर भगवान का लाख लाख शुक्र है कि अब नहीं रहती। हमारे यहां पर काम करती थी, पर इसके लक्षण कुछ ठीक नहीं थे। घर के अंदर अजीबोगरीब पूजा पाठ करती थी, मंत्र पढ़ती थी। हम अपने ही घर में डर कर रहने लगे थे। अच्छा वो चली गई। वो काफी दूर से मैं ड्राइव करके आ रहा हूँ ना, तो एक ग्लास पानी मिलेगा? ठीक है, लाते। आप यही रुकिएगा, औरतों का घर है ना, लाते। वो लड़का पानी के बहाने अंदर आना चाहता है, भौरी की फोटो लेकर घूम रहा है। बुला लो उसे, अतिथि है, अतिथि देवो भव, स्वागत की तैयारी करो उसकी। जी। आइए, आप अंदर ही आ जाइए, मैं पानी लेकर आती हूँ। मेहमानों को ऐसे दरवाजे पर खड़े रखना अच्छा नहीं लगता। आइए आइए प्लीज। Ah!
दरवाजा खोलो। मजनू, रांझा, महिवार, इन सब की मौत दुनिया के सामने हुई थी, इसलिए उनकी प्रेम कहानी अमर हो गई। कि ये बेचारा इतना प्रेम करने के बावजूद यहां गुमनामी के अंधेरे में तड़प तड़प के मरेगा। लाली, जरा मांस तो लाना। इस आशिक को मरने से पहले उसकी माशुका के दीदार तो करा दे। अभी लाती हूँ। तलाशी लो इसके, खुद के बचाव के लिए कहीं कोई हथियार तो नहीं रखा इसने। चिकने ने तो बंदूक छुपा रखी है। ले चलो इसे। बुढ़ा कुमोद, 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 कुमोद। बधाई हो बाबू साहेब, कल सवेरे का पुख्ता इंतजाम कर दिए हैं। इतना रात को आप उका लेके कहाँ चली गई थी? काहे? मुंगेर जैसा शहर में ऐसा हरकत कैसे कर सकती हैं आप? इतना गैर जिम्मेदार कैसे हो गए? नाटक कर रहे हैं ना? हम जानते हैं आप नाटक कर रहे हैं। गाय की हम सुने थे, वो औरत आपके फोन पे फोन की थी और वो कह रही थी सभी लेखा पुख्ता इंतजाम कर दिए। तो कहा था वो पुख्ता इंतजाम? हाँ कहा था, सुने ना को गायब करने का ही ना निकल लिया। हम निकल गए, आधी रात को निकल गए थे, शहर छोड़कर जा रहे थे, इसीलिए बाहर गए थे। अरे हम पे शक करने के अलावा कुछ आता है आपको? अरे थोड़ा तो दिमाग का इस्तेमाल कीजिए कुमुद। अगर हमको सुनैना को अगवा करवाना होता तो का शादी करवाते? इतना छानबीन करके वो रिश्ता लेकर आए इतना अच्छा, काहे काहे कि परिवार का इज्जत बना रहे, वो सुनैना आपके पास रहे, आप शांति से रहे, काहे नहीं समझ रही है? तो आप सुनैना को अगर अगवा नहीं की तो हम तो कौन किया? हमने सुनैना? अरे कौन किया ये जानने के लिए ही भागे भागे आए हैं पटना से? शहर में पुलिस ढूंढ रही है, छानबीन कर रही है, पूरा शहर में पुलिस तैनात है, हर जगह हंगामा मचा दिए हैं। हमको ही समझ में नहीं आ रहा इतना रात को आप काहे उको लेके गई? खुद आप खुद उको खतरे का खाई में ढकेली है कुमुद, बताए दे रहे हैं। अब भगवान मालिक है, कैसे ढूंढेंगे हमको नहीं पता, लेकिन कोशिश करते रहेंगे। आप देखिएगा, कोशिश करते रहेंगे आपके लिए। आप कुछ मत करना, आप यहाँ बैठ के हम पे शक कीजिएगा बस, ठीक है? शक कीजिए हम पे बस। गायब हो गया है लगता है, सुनैना के गायब होने का शक हम पर नहीं जाएगा।
आगे देखते हैं। ऊपर मिलो, अगर रजत की जान प्यारी है तो। ये एपिसोड देखिए यूट्यूब पर शाम 7:30 बजे। अगर बाबू साहब ने उसको अगवा नहीं किया तो कौन ले गए उसको? कौन ले गए? हमने सुना ना इसके बीच फंसी है, हम कैसे पता लगा है? नमन को फोन करते। The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. कहीं नमन भी तो सुने ना कि सब किसी मुसीबत में नहीं फंस गए। आंखें खुलेंगी तो इन दो प्रेमियों को एक दूसरे का दीदार होगा, लेकिन ये नहीं जानते कि वो दीदार आखिरी बार होगा। बहुत तकलीफ दी जा इन लोगों ने, बहुत रुलाया ना तुम्हें इधर ने, तुम्हारे एक एक आंसू की कसम इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। नमन जी, आप सच में आओ, आप हम कुछ सपना तो नहीं देख रहे हैं ना? सपना? इसका मतलब तुम मुझे सपने में भी देखती हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, आप तो सचमुच में हमारे सामने ही हो। पर नमन जी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? हमने आपको कहा था ना, ये काले शैतान का घर ही बहुत खतरनाक है, आप यहाँ क्यों आए? शांत जी, ऐसे तुम मुझे ये बताओ, तुम ठीक हो ना? इन लोगों ने तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया ना? नमन जी, हमने आपको मना किया था ना,
अब फिर से हमें बचाने के लिए लोगों के बीच आ गए? आपको अपनी जान की कोई परवाह नहीं है क्या? क्यों? तुम ही तो मेरी जान हो, और अपनी जान की परवाह के लिए मैं यहां पे आया हूं।